प्यारे बच्चों, आज हम चित्रकला में आपको हम बताएंगे कि कक्षा 9 विषय चित्रकला में इसे खंड है, 3 खंड होता है इसमें, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। इन तीनों खंडों में से 2 खंड कोई करना होता है और प्रथम खंड जो है आपका अनिवार्य होता है। प्रथम खंड में आपके जो है आलेखन, प्राकृतिक दृश्य और ज्यामिति कला, ये 3 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। और उन तीनों क्वेश्चन में आपको उन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन करेंगे, या यह करोगे तो इस दोनों को छोड़ दोगे, यह करोगे तो इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, ज्यामिति कला करोगे तो इन दोनों को छोड़ दोगे, आलेखन और प्राकृतिक दृश्य। कहने का आशा यह है कि प्रथम खंड आपका करना अनिवार्य होता है पेपर में, और इसमें से कोई एक ही आपको करना पड़ता है, वह या आप आलेखन से करें या आप प्राकृतिक दृश्य का क्वेश्चन करें या ज्यामिति क्वेश्चन करें। इसके बाद से दूसरा जो आपका खंड है मानव आकृति। मानव आकृति में क्या आता है, इसमें केवल एक ही खंड रहता है, एक ही क्वेश्चन, मानव आकृति, मानव का हाव भाव, नेत्र, भौहें, नाक, कान, पैर, अंगुलियां, मानव को किस तरह से। सबसे पहले आपको आँख है, नाक है, कान है, ये पहले आपको क्रमशः बनाया जाएगा, आप उसको बनाओगे, तब उसके बाद से सारे शरीर के अंगों को जो है या स्पर्श जिसे कहा जाता है, 5 जिसे मान लो त्वचा है, जीवा है, आँख है, कान है, नाक है, ये सब बनाने के बाद से इसको एक जगह सेट करेंगे, और वह सेट करने के बाद से एक पूर्ण मानव की आकृति बन जाएगी। मानव आकृति में मानव का हाव भाव, चलने का क्रम, कोई गीत खेलती हुई युवती हो या घर पर जाता किसान या खेत में जाता किसान, नलके से लाती हुई एक स्त्री गगरे में पानी, इस तरह का दृश्य मतलब मानव आकृति में आता है। तीसरा जो आपका खंड है वह है इसमें भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला में जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे रंगों के नाम आ जाते हैं, कभी कभी रंगों के नाम में विरोधी रंग कौन से हैं, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, एक ऑप्शन को चुनना होगा। तो संयुक्त रंग क्या है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, इससे संबंधित जो है भारतीय चित्रकला का विकास कहाँ हुआ, अजंता की गुफाएं कहाँ है, इस तरह का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। हमको इन भारतीय चित्रकला क्वेश्चन को पर जो बहुत ध्यान नहीं देंगे न ज्यामिति कला पर, हम केवल आपको आलेखन कला और प्राकृतिक दृश्य और मानव आकृति के बारे में हम प्रथम और द्वितीय खंड से ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमको परीक्षा में 2 ही खंड जो है करना होता है, और वह दोनों खंड जो है आपके आसान होते हैं। तो हम सबसे पहले आलेखन, वैसे कला, कला से रूप जब आप 6th में 7th में अर्थ में जब आप पढ़े होंगे, तो
तो कला के नाम से संबोधन किया हो। आज यहाँ नाइन्थ के बच्चों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चित्रकला, रेखाओं के माध्यम से, रंगों के माध्यम से लयबद्ध तरीके से सजाना बनाना चित्रकला है। तो उसे कला का क्षेत्र व्यापक, बोलना चालना चलना खाना पीना, अर्थात कोई ऐसा एक काम नहीं है कि जो कला के क्षेत्र से अधूरा। उठना बैठना, कैसे बात करना, ये सब कला है। कहा गया है कला ही जीवन है। किसी के सामने किस ढंग से हम प्रस्तुत करें अपनी बात को, वो भी एक कला है। चल रहे हैं, चलने का किससे मेरा ढंग है, वो भी एक कला है। उठना बैठना, अर्थात कला एक हर क्षेत्र में विद्यमान है। कला से कोई क्षेत्र ऐसा अधूरा नहीं है। मैं आलेखन के बारे में मैं आज थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आलेखन क्या है। आलेखन मान लो विभिन्न आकृतियों को, आलेखन का अर्थ है कि विभिन्न आकृतियों को जो है उसको क्रमबद्ध तरीके से, विभिन्न आकृतियों को विभिन्न लयबद्ध ढंग से उनको सजाना बनाना, वही आलेखन। फिर एक बार एक सुन लो, आलेखन से हमारा आशय विभिन्न आकृतियों को लयबद्ध और कलात्मक ढंग से बनाना या सजाना आलेखन कला कहलाता है। प्राकृतिक दृश्य आपका है, किसी पहाड़, सूर्य उगता हुआ दृश्य, वर्षा हो रही है, ये प्राकृतिक दृश्य है। पहाड़ पर्वत ठार कैसे दृश्य है, इस तरह के दृश्य को आपको जो है पोस्टर के माध्यम से और विभिन्न तरह के रंगों का प्रयोग इसमें प्राकृतिक दृश्य में किया जाता है और बनाया जाता है। उगता हुआ सूरज हो, सुबह का दृश्य हो, पहाड़ हो, पहाड़ के किनारे की तरफ वृक्ष दिखाई दे रहे हों, चहचहाती हुई चिड़ियाएं हो, इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है इस प्राकृतिक दृश्य में। ज्यामिति कला में प्रकार और पटरी और प्रकार की सहायता से हम आकृतियों को बनाते हैं, रचना करते हैं, वह ज्यामिति कला के अंतर्गत आता है। तो यह सब को बताने के बाद हम जो है आपको आलेखन कला में एक, पहले हम आलेखन में क्या करते हैं, कोई आकृति जैसे मान लो फूल हो, पत्ती हो, तो सबसे पहले हम इसमें भी पत्ती को बनाएंगे, फिर उसके बाद से हम कली को बनाएंगे, उसके फूल को बनाएंगे, इस तरह से जो है हम क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि कला की परिभाषा भी है कि क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न आकृतियों को लयबद्ध ढंग से उसको सजाना बनाना ही कला है। तो आलेखन में हम यही, पहले सबसे पहले हम पत्तियों को बनाएंगे, उसके बाद से कलियों को हम बनाएंगे, उसके बाद से हम जो है आपको जो है तरह तरह के बीजों को बनाएंगे। इसमें जो हम देख रहे हैं आपको कि आलेखन कला में जो है, जैसे मान लो आपके बता रहे हैं हम,
आलेखन कला में आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम आलेखन कला में आपको एक पहले सर्वप्रथम हम पत्ती को दिखा रहे हैं। जिसे मान लो पत्ती आपका जो है आपका मान लो आम की ही पत्ती हो, आम की पत्ती को मैं बना रहा हूँ। देखिए आप लोग, आम की पत्ती है, आम की पत्ती। इसी तरह से मान लीजिए गुलाब की पत्ती हमको बनाना हो तो गुलाब की पत्ती भी हम बना दे रहे हैं आपको। गुलाब की पत्ती आप देखेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ एक मान लो बिंदु लगा दे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे मैं बना रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऐसे कर देंगे, अड़हुल की पत्ती हो या गुलाब की पत्ती हो उसमें थोड़ा सा की भिन्नता दिखाई देती है, बशर्ते गुलाब की पत्ती में प्रारंभ से ही उसकी कटिंग हो जाती है और गुड़हल के पत्ती में थोड़ा सा चौड़ा होकर के तब शुरू से उसकी कटिंग होती है। तो उसकी जो कटिंग जो है आपकी ऐसे होती है। ये आपके जो है ये अड़हल की पत्ती है, ये अड़हल की पत्ती आपको ऐसे बना रहे हैं। ये अड़हल की पत्ती है, गुलाब की पत्ती, गुलाब की पत्ती में भी ये अभी बता रहे हैं शुरू से ही इसका जो है कटिंग होने लगता है। वैसे गुलाब की पत्ती एक गुलाब की पत्ती है, बोर्ड की परीक्षाओं में या जो भी हो उन परीक्षाओं में जो है आपको सबसे पहले जो होता है यह देखने को मिलता है, एग्जामिनर जो है अध्यापक देखता है कि कमल की पत्ती है या गुलाब की पत्ती है तो यह पत्ती जो है किस तरह से बना है। अब यह नहीं है कि गुलाब की पत्ती पूछ रहा है, अड़हुल की पत्ती पूछे तो आप आम की पत्ती बना दीजिए, कनेर की पत्ती बना दीजिए, तो इस पर नंबर आपको बहुत कम मिलेगा, मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान देना अति आवश्यक है। आज मैं केवल आप लोग ये गुलाब आम की पत्ती है, ये अड़हुल की पत्ती है, गुलाब की पत्ती है, आप इसको जो है एक चित्रकला की किताब जो है जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको ले लें आप और उसको बना करके आप लोग बनाते रहिए, दिखाते रहिए। बस आज मैं इतना ही आप मैं दे रहा हूँ, उसके बाद से फिर अगले टर्न पर हम आपको एक दो और पत्ती बनाएंगे, कनेर की पत्ती बना देंगे। तो इस तरह से
फिर मैंने कली बनाएंगे, उसके बाद से पुश बनाएंगे, इस तरह से क्रम से हम लोग चलते रहेंगे। धन्यवाद।